हेलो एवरीवन दिस इज जूही ज्ञान चंदानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टारगेट द एग्जाम आरआरबी पीओ मेंस पी जिसको होने में बहुत ही कम समय रह गया है एंड वी आर गोइंग टू कवर स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस ऑफ मेंस लेवल

क्वेश्चन हमारा टाइम कम लेंगे उनको हम पहले सोल्व करते हैं पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ स्पॉटिंग एरर ये ऐसे टॉपिक्स जो आपका कम टाइम कंज्यूम करते हैं राधा दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोज टेस्ट हो गया पैराजुम्बल हो गया एंड वेरियस अदर टॉपिक्स सो आर द टॉपिक्स उसमें एक है आपका ये एयर डिटेक्शन का जो कम टाइम कवर करता है तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी आपको अप्रोच uh, करना है इन तरह के क्वेश्चन को और मीन जब

तो इस टॉपिक में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज ये प्योरली ग्रामर बेस्ड टॉपिक होता है है ना इसमें आपको सारे पाँच सो स्पीच टेंस यू नो जो भी ग्रामर का पार्ट होता है सब कुछ आपको आना चाहिए देखिए सबका थोड़ा बहुत नोहा एटलीस्ट होना चाहिए कोई बात नहीं अगर नहीं है तो चलो प्रैक्टिस करते हैं चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर वन डायरेक्शन पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं

डिसीजन प्रोटेस्टेड द डिसीजन टू सेंड लाइका ये सुना होगा कि ऑर्बिट में स्पेस में जो है लाइका एक स्ट्रे डॉग को रशियन स्ट्रे डॉग को ऑर्बिट में भेजा गया था ठीक है तो कुछ लोगों ने इस डिसीजन को प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट थे टू सेंड लाइका इन टू ऑर्बिट ठीक है ए सेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है इसको हटा दो यहाँ से नोइंग शी वुड डाइड अब देखो यहाँ पे जो ये जानते हुए नोइंग मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जानते हुए शी वुड डाई अब ये देखो वुड वर्ड जो है ना वुड क्या होता है इसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब ये किस कैटेगरी में आता है ये वर्ब है और वर्ब में भी ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है हमेशा याद रखना मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म लगता है मॉडल वर्ब के साथ जो आपका मेन वर्ब होगा वो हमेशा बेस फॉर्म पे होता है बेस फॉर्म से मेरा मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म

could live in space आप देख सकते हैं could भी क्या होता है ये भी एक मॉडल वर्ब है लिव ये वर्ब का बेस फॉर्म है तो यहाँ पर आपको एक तरह से हिंट ही दिया हुआ है क्वेश्चन को बड़ा देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है आई एम टेलिंग यू थोड़ा सा यू नो पेशेंस रख के घबराहट को साइड करो और आप इसको बनाने की कोशिश करो जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर लेना कि इस तरह की एरर आ सकती है तो पहला हो गया Model verb plus base form of verb. ये error यहाँ पे पे नहीं होगा यहाँ पर क्या आएगा? Would die. इसका base form क्या आएगा इसका हो जाएगा ठीक पहला concept, यहाँ पे हमने देखा model verb plus V1. तो error हमारी है section B में जो जो आपको कॉन्सेप्ट आप प्लीज उनको नोट डाउन करते जाएगा दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट नेक्स्ट देखते हैं सेम है फर्स्ट पार्ट है In 1921, Canadian researcher Frederick Banting and medical student Charles Best discovered. देखो in 1921 मतलब अगेन हम पास्ट की बात कर रहे हैं एक कैनेडियन रिसर्च research की रिसर्चर की बात कर रहे हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक बैंटिंग और एक और मेडिकल स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट डिस्कवर्ड है ना मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये तो टेंस तो करेक्ट है यहाँ पे इंसुलिन व मिलियन ऑफ ह्यूमन लाइफ अब देखो यहां पे विच वुड सेव मॉडल वर्ब ठीक है ये मॉडल है और प्लस यहां पे वर्ब वन बेस फॉर्म ये तो करेक्ट है मिलियन ऑफ ह्यूमन लाइफ गड़बड़ जो है आपकी डी सेक्शन में ध्यान से एक बार देखिएगा यहां पे क्या गड़बड़ है क्या लिखा हुआ है मिलियन ऑफ ह्यूमन लाइफ्स ये टॉकिंग अबाउट लाखों ह्यूमन लाइफ्स की अगर हम लाखों ह्यूमन लाइफ्स की बात कर रहे हैं दैट मीनस हम उसको प्लुरलाइज कर रहे हैं अगर वो प्लूरल है तो ये जो मिलियन है क्या है? ये प्लूरल फॉर्म पे दिया हुआ है आंसर इज नो इसको होना चाहिए मिलियंस अब इससे रिलेटेड एक और लॉजिक है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी दिस शुड बी मिलियंस ऑफ लाइफ्स अगर इसी मिलियन को मैं ले लू एग्जाम्पल पे है ना मैंने बोला फाइव मिलियन ना मैंने बोला फाइव मिलियन कि इस वीडियो को फाइव मिलियन लाइक्स मिले आई विश ठीक है तो फाइव मिलियन अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे मुझे इसको मिलियंस करना चाहिए क्या क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइव बोला है फाइव मतलब एक से ज्यादा ही डेफिनेटली है ना तो क्या कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ फाइव है एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो मिलियंस आना चाहिए यहाँ पे है ना बट गलत अगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक नंबर मेंशन कर दिया है न्यूमरल एडजेक्टिव इसको कहते हैं अगर यहाँ पे नंबर आ गया है फाइव तो ये मिलियन million होगा मिलियंस नहीं होगा बट अगर मैं इस फाइव को यहां से हटा मैंने यहां से फाइव को हटा दिया और मुझे मिलियन को अब प्लूरल करना है तो ये हो सकता है प्लूरल लग जाएगा मिलियंस ऑफ आगे आप जो भी कहना चाहते हैं ठीक है ऑफ़ जो भी आप पे लगाना चाहते हैं, तो इसको प्लुरल करने का तरीका ये होता है, lives, definite, right? तो क्या आती है नाउन की गड़बड़ थी सेक्शन डी में थी आप इस कॉन्सेप्ट को भी नोट डाउन कर लेंगे कि इस तरह की एरर भी आ सकती है ठीक है पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज तो करेक्ट है एंड बिहेवियरल कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बिहेवियरल कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड मतलब टेंस यहाँ पे क्या हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास टेंस प्रोवाइडेड वॉट इंसाइट इन टू लैंग्वेज एक्विजिशन देखो उनको हम क्या बोलते हैं उनको एब्रेक्ट नाउन्स बोलते हैं नाउन के विडियोस को देख लीजिएगा जो मैंने uh, काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है सो दैट यू कैन रिक्नाइज वाउन आर लैंग्वेज एक्विजिशन लॉन्ग टर्म मेमरी एंड क्वेश्चन पढ़ तो को पढ़कर पढ़ एलिमिनेट करते जाओ दैट इज द बेस्ट टेक्निक आपने पढ़ा नहीं है एरर हटाओ आगे बढ़ो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफ लैंग्वेज इसमें तो हमको ढूंढना ही नहीं एरर. And एंड बिहेवियरल provided करेक्ट ए में गड़बड़ नहीं है हटा दो क्योंकि टेंस बिल्कुल सही है क्विजिशन में बी भी करेक्ट है इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है लॉन्ग टर्म मेमरी एंड कंजंक्शन लगा हुआ यहाँ पे एंड इज वॉट कंजंक्शन दबल ऑफ एनिमल्स हमेशा ध्यान रखेंगे ये चीज जब आप एंड से किसी दो चीज को जोड़ रहे हैं एंड क्या है कंजंक्शन है कंजंक्शन मतलब वो जोड़ने के काम है ठीक है अगर हम एंड से दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो जो दो चीजें एंड से जोड़ रही दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए राइट यस यहां क्या लिया? लॉन्ग टर्म मेमरी नाउन है ठीक है एंड द लगा है मतलब स्वाभाविक सी बातें कहीं ना कहीं यहां पे होना चाहिए नाउन आर्टिकल ए एंड नाउन के साथ ही आर्टिकल है मतलब एक सिंपल सी बात दिमाग पे बिठा लेना कि नाउन तो होना चाहिए वहां इसका लास्ट लेटर है ना लास्ट लेटर जो आई ई ये इसको बनाते हैं क्या एडजेक्टिव ठीक है ये इसको बनाते हैं एडजेक्टिव एक और चीज है जिसे आप ध्यान दे सकते हैं ये जो आई वी ई है ये आई ई दैट इज एडजेक्टिव के भी एक पहचान करने का तरीका होता है तो ये एडजेक्टिव है अब आपको पता है एडजेक्टिव एडजेक्टिव है है करता नाउन को विच एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए नाउन होना चाहिए बट की लिखा हुआ है पे एबल एबल और able भी एक तरह का एडजेक्टिव है जिस भी वर्ड पे एबल लगा हो है ना लास्ट में वो आपको बिल्कुल वहां पे सोचना ही नहीं है वो क्या होगा वो एडजेक्टिव का, का काम करेगा एबजेक्टिव क्वालिफाइंग गलत ग्रामर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए नाउन तो इज एबल का बन जाएगा अबिलिटी ये क्या हो जाएगा अबिलिटी और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ड्स एंडिंग इन टी वाई है ना आर नोन एज यस एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब आप देखो द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन अब ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर और क्लियर फॉर्मेट है अब आप इसको समझ गए होंगे ठीक है so सो ये हो गया कॉग्नेटिव एबल का हो जाएगा अबिलिटी मतलब आपकी जो गड़बड़ है वो कहाँ पे है डी वाले सेक्शन में इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से समझ लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहला एंड के बाद जो दो आपके वर्ड्स होंगे जुड़े हुए वो दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए है, मतलब वहाँ पे तो है, और उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा कि एडजेक्टिव भी है अब तो नाउन का होना और सुपर श्योर हो गया ठीक है कि कॉग्नेटिव के बाद यहाँ पे नाउन चाहिए ई e, मतलब हमने पहचान लिया कि है। अब इसको बनाना था हमको ना जो हमने बना दिया ठीक है तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगी और अगर इग्नोर किया तो फिर माइनस मार्किंग आगे चलते हैं वेन जॉन फ्रेंचवा चैम्पलिन ये इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही होता है वेन जॉन फ्रेंचवा चैम्पलियन हाइरोग्लिफिस अभी हाइरोग्लिफिस क्या है मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं ना Hieroglyphics in the 1820s, the history of one of the humanity's greatly civilizations could finally be read, and European scholars and enthusiasts flocked to see the pyramids at Giza. ठीक है आंसर देखेंगे। Sentence पढ़ के लगा होगा कि बहुत भारी भरकम सा, इतना difficult सा statement है। But जब भी आपको ऐसा लगे ना कि sentence बहुत difficult है पढ़ने में ये कैसी words हैं? घबराना बिल्कुल नहीं एरर बहुत ही मामूली सी होती है ठीक है देखते हैं ये करेक्ट है किसी पर्सन का नाम है है ना क्या होता है ये एंशियंट यू नो इजिप्शियन राइटिंग सिंबल है मतलब एक सिंबल के थ्रू उसको डिकोड किया जाता था।, था, था तो एक राइटिंग सिस्टम है बेसिकली इट इज वॉट इट इज द राइटिंग सिस्टम ठीक है इन दिन द हिस्ट्री ऑफ वन ऑफ ह्यूमैनिटीज ग्रेटली सिविलाइजेशन क्या लिखा है ह्यूमैनिटीज greatly civilization देखो सिंपल सी बात यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है ठीक है एक तो पहली बात जो गड़बड़ है वो आपकी हो गई यहाँ पे ग्रेटली में क्या गड़बड़ है सिविलाइजेशन इज अ नाउन ठीक है ये आपका नाउन है हमको पता है नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो क्या होना चाहिए वो अगर उसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन के पहले कोई वर्ड आया है डेफिनेटली वो एडजेक्टिव होगा क्या ग्रेटली एडजेक्टिव है

इनको स्वैप करके एरन आने के चांसेस होते हैं ठीक है थीके? तो एक चीज तो ये नोटिस कर लिया हमने यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट क्योंकि हिंट है हमको यहाँ पे दिया हुआ है नाउन और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उसके पहले एडजेक्टिव का होना कंपलसरी है ना कि एडवर्ब का ठीक है अगर मैं आपको बताऊं कि एक और चीज जो यहाँ पे सीखने जाए सीखने वाली है यहाँ पे ध्यान देने वाली वो क्या है वन ऑफ जब भी आप देखेंगे वन ऑफ है ना वन ऑफ अब यहाँ पे जो भी होगा वर्ड वन ऑफ द या सम ऑफ द है ना इसके बाद में जो वर्ड होता है वो नाउन होता है और वो हमेशा प्लूरल होता है ठीक है वो हमेशा प्लूरल होता है मतलब अगर मैं बोलूं कि इसको और किस तरीके से एरन में कन्वर्ट किया जा सकता था या और किस तरीके से आ सकता था इस ग्रेटली को क्योंकि ये ऑब्वियस होगा पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा ग्रेटली सिविलाइजेशन नहीं होगा बल्कि ग्रेट सिविलाइजेशन होगा कुछ चीजें पढ़कर समझ में आती है बिकॉज आप यू नो रीडिंग की हैबिट में रहते हैं तो सही गलत की इतनी पहचान तो हो जाती है

इसको भी इस पैटर्न को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि एरर कहाँ पे और कैसे आई और हर एक क्वेश्चन पे पॉज करके पहले खुद बनाइएगा आगे देखते हैं ही हैज प्रीवियसली यूज इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है जियो फिजिकल टेक्निक्स टू प्रोब बिलोंग टू प्रोब बिलो द ग्राउंड एट सकारा विच रिवील्ड द रिमेन्स ऑफ न्यूमरस टेम्पल्स लाइनिंग द प्रोसेशनल रूट टू द सेरापियम अब ये भी ऐसे वर्ड्स लग रहे होंगे कि ये क्या यूज किया है जियो फिजिकल टेक्निक्स टेक्निक्स की बात की जा रही है टू प्रोब मतलब, मतलब, है? है. है ना छानबीन करने के लिए टू प्रोब प्रोब क्या बिलो द ग्राउंड एट सकारा सकारा एक यू you नो know, एक छोटा सा स्मॉल सा विलेज है गीजा में है ना गीजा के अंदर आता है ये और एक छोटा सा विलेज जो अपने ग्राउंड्स के लिए फेमस है अपने मैदानों के लिए ग्राउंड के लिए फेमस है जहाँ पे बरी करने का काम किया जाता था बहुत पहले ठीक है तो बिलो द ग्राउंड अब वो बरी करना मतलब वहाँ पे खोद करके डिगिंग करके चीजों को ढूंढना निकालना ये टेक्निक्स की बात की जा रही है बिलो द ग्राउंड एट सकारा विच रिवील्ड जिसने रिवील किया रिमेन्स ऑफ देख सकते हैं आप क्या रिमेन्स की बात अवशेष की बात की जा रही है 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 वो ना पे हो गया ये ये भी क्या हो गया एडजेक्टिव है ना रूट टू सेरापियम द लिखा है ये आपका नाउन है सेरापियम मतलब इजिप्शियन टेम्पल की बात की जा रही है अब यहां पर आप देखो क्या ये रूट सही है हम बात कर रहे हैं किसी मार्ग की किसी दिशा की किसी रास्ते की राइट ना कि हम किसी जड़ की बात कर रहे हैं ये रूट क्या हो गया ये जड़ हो गया हम बात कर रहे हैं प्रोसेशनल रूट टू सेरापियम टू द इजिप्शियन टेम्पल ठीक है तो ये यहाँ पर गड़बड़ क्या है एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए बट ये नाउन का गलत फॉर्म है रूट भी एक तरह से नाउन का काम करता है। बट यहां पर ये यह ये जो रूट है गलत तरीके से यूज किया गया है हमें चाहिए ये वाला रूट ठीक है okay? दिशा मार्ग रास्ता बताने वाला तो गड़बड़ आपकी कहां पे हो गई डी में आगे बढ़ते हैं फटाफट से ये कहता है नॉइज कैन हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन बर्ड पॉपुलेशन सो The fact that some turns turns मतलब ये हम बर्ड्स की स्पीशीज की बात कर रहे हैं ठीक है आर स्टिल रोड इज एनकरेजिंग फॉर देयर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ठीक है देखिए नॉइज कैन हैव अ मेजर इंपैक्ट ठीक है ये बिल्कुल करेक्ट है इंपैक्ट ऑन इंपैक्ट के साथ ऑन लगता है ये भी करेक्ट है ऑन वर्ड ऑन बर्ड पॉपुलेशन ठीक सो द फैक्ट दैट समर्न सम है है ये भी करेक्ट है

का की उनके है ना तो ये वाली कौन सी बात होती है ये पजेशन शो करने की बात होती है और अगर हम पजेशन शो कर रहे हैं तो पजेशन शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हम पजेसिव वर्ड यूज करेंगे तो देयर जो है ये आपका पोजेसिव वर्ड होगा ना कि ये वाला देर तो यहाँ पे जो जरूरत है हमें कौन से वाले देर की है ये वाला देयर जिसको हम क्या बोलते हैं ये काम करता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव का क्यों क्योंकि ये नाउन के लिए यूज किया जा रहा है ठीक है पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है बिकॉज यू सी यहाँ पे कंजर्वेशन इज नाउन और इसके लिए यूज किया जा रहा है ये ये देयर नहीं आएगा आएगा ये वाला देर राइट right? सिंपल सी एरर थी इसमें आगे बढ़ते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ सितंबर 2020, आफ्टर रैपिंग सेप्टेंबर मंथ्स ऑफ़ डेटा एनालिसिस, वी स्टूड इन फ्रंट द देरुवियन एनवायरमेंटल अथॉरिटीज टू टेल द एविडेंस बेस्ड स्टोरी ऑफ पेरुवियन टर्न्स। अगेन हम टर्न्स की बात कर रहे हैं ना पेरुवियन टर्म्स पेरू कंट्री के टर्म्स की बात कर रहे हैं उन स्पीसी की बात कर रहे हैं ध्यान देंगे ना तो पढ़कर ही कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। every uh, है ना रीडिंग की हैबिट जितनी ज्यादा होगी उतना आप इन चीजों को पढ़कर ही समझ जाएंगे करेक्ट आफ्टर रैपिंग एनालिसिस ठीक है ये भी करेक्ट है We stood, past का फॉर्म है है ना सेप्टेम्बर ट्वेंटी की बात की जा रही है We stood in front, in front. का करेक्ट फ्रेज क्या होता है ये प्रेपोजिशन है और करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन क्या होगा इन फ्रंट ऑफ ना कि इन फ्रंट दी पेरूवियन एनवायरमेंटल ठीक है यहाँ पर क्या मिसिंग है ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है है ना यहाँ पर ऑफ मिसिंग था इन फ्रंट ऑफ द पेरुवियन एनवायरमेंटल अथॉरिटीज दी द है मतलब यहाँ पे नाउन आएगा अथॉरिटीज हो गया पेरुवियन मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है एनवायरमेंटल एडजेक्टिव का काम कर रहा ये अथॉरिटीज के लिए ये दोनों एडजेक्टिव्स आए हैं आर्टिकल द इसके लिए आया है तो गड़बड़ कहां पे हो गई गड़बड़ ये हो गई कि ये जो प्रेपोजिशन है जो कनेक्ट करने का काम करता है ये इनकरेक्ट फॉर्म पे यूज किया गया था इन फ्रंट की जगह आना चाहिए था इन फ्रंट ऑफ बहुत ही आसान से एरर थी क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि इट इज वेरी लेंदी है ना बट आप देखो ये ऐसी एरर है जिसपे आपको गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए है ना चलो ये आपका हो गया बी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विद आवर डेटा एंड लेसन लर्न We are developing an ambitiously integrated monitoring program, so, uh, sorry, to stop these species from taking a one-way detour to extinction. ध्यान से देखेंगे, with our data, data and lessons learned, ठीक है? We are developing, मतलब tense भी correct है, we are ing, what, एन लगा है, एन है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने अभी बताया, आर्टिकल ए एन द जहां पर भी है, है ना? आर्टिकल ए जहां पर भी होगा वहां आप मान के चलो कि ये नाउन को डिनोट करता है ठीक है एन एम्बिशियसली इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम हमारा नाउन क्या है प्रोग्राम ये जो वर्ड है प्रोग्राम इट इज अ नाउन ठीक है नाउन के पहले क्या आ सकता है क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए उसके पहले एज्जेक्टिव आते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक एडजेक्टिव आएगा एक नाउन के लिए कुड बी मोर देन वन इन फ्रंट ऑफ बिफोर नाउन ठीक है तो ये नाउन है इसके लिए देखो एड्जेक्टिव क्या क्या है इंटीग्रेटेड मतलब ये पास पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ना यहाँ पर एमबीशियसली लिखा हुआ है जो कि आपका लिखा है कौन से फॉर्म पे एल वाई है मतलब ये आपका हो गया एडवर्ब ठीक है ये हो गया एडवर्ब अब हमको यहाँ पे क्या एडवर्ब की जरूरत है ध्यान से देखिए एम्बिशियस इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम मोर देन वन एडजेक्टिव कॉमा से भी इसको हम समझ सकते हैं बट ठीक है आपको यहाँ पे पंक्चुएशन को ध्यान नहीं देना है आप देखो एन एम्बिशियस एडवर्ब और एडजेक्टिव का स्वैप इसके पहले भी मैंने एक बार आपको बताया ठीक है तो यहां पर ये एल वाई हट जाएगा दिस विल बी सिंपली एम्बिशियस

एक्सपेक्ट इट्स बाल्थ ईगल्स ठीक है ध्यान से देखिए डिस्पाइट मतलब हम ये तो बिल्कुल करेक्ट है हम बता रहे हैं सेंटेंस में कि पैंडेमिक की वजह से शटडाउन हुए और शटडाउंस होने के बाद भी के बावजूद भी क्या है एंड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी आए अक्रॉस अलास का ठीक है ट्रेवल में भी रेस्ट्रिक्शन आया बिकॉज ऑफ पैंडमिक एवरीबडी नोज दैट एंड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन अ वेरी स्मॉल वैली इन दाउथ ईस्ट हम बात कर रहे हैं अलास्का की अ वेरी स्मॉल वैली अ वेरी स्मॉल वैली एक वैली की बात कर रहे हैं इन दस्ट स्टिल या ये होना चाहिए एक्सपेक्ट बिकॉज हम क्या बात कर रहे हैं हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब आना चाहिए एज पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो होना चाहिए सिंगुलर यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्ट जो की है प्लूरल ये क्या है प्लूरल वर्ब की तरह यूज किया गया है विच इज वाई दिस इज इनकरेक्ट यहां पर हम ए स्मॉल वैली की बात कर रहे हैं इसीलिए जो करेक्ट फॉर्म होगा वो आपका होना चाहिए वर्ब वन में ऐसी आई एस तो ये हो जाएगा स्टिल एक्सपेक्ट क्योंकि हम ये आप देख सकते हैं इसको हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है तो स्टिल एक्सपेक्ट इट्स हैबिचुअल विजिटर्स दैट इज बाल्ड ईगल्स ठीक तो गड़बड़ कहां पे हो गई सी वाले सेक्शन में देखो यहाँ पर जो हमने एरर फाइंड आउट करी वो किसकी थी सब्जेक्ट वर्ब इसके पहले हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब की एरर देखी राइट तो जो जो कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं जो जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू नेक्स्ट क्वेश्चन द द एरिया इज होम टू अबाउट 500 रेसिडेंशियल ईगल्स दैट अट्रैक्ट विजिटर्स ईयर राउंड मोस्ट स्पेशली एट द फॉल वेन माइग्रेटिंग बर्ड्स अप द काउंट टू हिस्टोरिक हाइज ऑफ थ्री थाउजेंड ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे द एरिया इज होम टू अबाउट दिस अबाउट वॉट फाइव हंड्रेड रेजिडेंशियल ईगल्स मतलब ये हमारा नाउन है जो प्लुरल फॉर्म पे ठीक है अब ये प्लुरल फॉर्म पे इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लुरल होगा कंडीशन सेटिस्फाइड फाइव हंड्रेड रेजिडेंशियल ईगल्स दैट अट्रैक्ट होम विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं यर राउंड है, है ना मोस्ट स्पेशली स्पेशली कब एट द फॉल अब यहां पर देखो अब बात कर रहे हैं हम एट द फॉल की ये जो द फॉल है ये क्या है द फॉल मतलब वो टाइम होता है जो समर और विंटर के बीच का टाइम होता है, है ना जिसको यूएस में द फॉल के नाम से जानते हैं द फॉल जब पत्तियां झड़ती हैं पत्तों से स्पेशली जो हम जिनको कहते हैं यू नो पतझड़ का मौसम या ऑटम सीजन ठीक है तो ये ये सीजन की बात कर रहे हैं ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी टॉक अबाउट सीजन मंथ या ईयर अगर हम इन तीनों की बात कर रहे होते हैं सीजन मंथ या ईयर की बात कर रहे होंगे तो इनके साथ में हम हमेशा इन लगाते हैं कभी भी एट नहीं आता तो यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी प्रेपोजिशन की गड़बड़ एट द फॉल इज रॉन्ग क्योंकि हम सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंपली आना चाहिए इन द फॉल इग्रेटिंग बर्ड्स जब माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं एंड वो काउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जो कि तीन हजार तक बहुत ज्यादा है ठीक है तो फॉल मतलब ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं सीजन की बात कर मतलब मैंने आपको बताया कि इनके साथ में हम क्या लगाते हैं इन लगाते हैं एट नहीं प्रशन की एरर ये दूसरी एरर पढ़ रहे हैं हम प्रेपोजिशन की इसके पहले हमने देखा था इन फ्रंट वाली एरर ठीक है तो इन फ्रंट के साथ ऑफ आता यहाँ पे एट की जगह पे इन आना चाहिए था तो गड़बड़ हमारी हो गई सी सेक्शन में

एवल्यूशन ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन केपेबिलिटी टू यूज अ कॉम्प्लेक्सम ऑफ लैंग्वेज फॉर क्लूज अबाउट आर ओरिजिन ठीक है इसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं है यहाँ पे देखते हैं इन स्टार्टिंग ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन क्या ह्यूमन ब्रेन्यू एवोल्यूशन मच रिसर्चर्स अब यहाँ पे देखो ध्यान से When I researchers, आप मुझे बताएंगे रिसर्चर्स कौन होंगे लोग होंगे पीपल होंगे ह्यूमन होंगे तो लोग है, मतलब है ये कैसा नाउन हो गया ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन है ना आप लोगों को गिन सकते हैं गिन सकते हैं ना एक दो तीन में काउंट कर सकते हैं रिसर्चर्स मतलब पीपल या लोग ह्यूम अगर इनको गिन सकते हैं तो मुझे ये बताइए कि ये मच यहाँ पे क्या कर रहा है ये तो गलत हो गया मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनको हम नहीं गिन सकते हैं या आसान भाषा में जिनको नंबर्स पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वन टू थ्री फोर में उनके साथ हम मच लगाते हैं जैसे मच पेन पेन को आप गिन नहीं सकते मच प्रेशर प्रेशर गिन नहीं सकते है ना तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे मच बट इनको तो गिन सकते हैं अगर गिन सकते तो मच की जगह पे क्या आना चाहिए यस मेनी रिसर्चर्स क्योंकि प्लूरल है ऑफ कोर्स एक से ज्यादा ज्यादा तो many होंगे ही होंगे राइट मेनी रिसर्चर्स लुक टू ह्यूम यूनिक केपेबिलिटी टू टू यूज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फॉर क्लूज अबाउट आर ओरिजिन मतलब हमको हमारी गड़बड़ मिल गई वो है आपकी बी सेक्शन में बाकी सारे ऑप्शन इनरेलीवेंट थे ठीक चलिए आगे चलते हैं देखिए फटाफट से नोट डाउन जरूर करिएगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से एरर आ रही ऑब्जर्वेशन रहेगा तो आप एक को एग्जाम में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा इन 1925 ट्वेंटी डिपथेरिया वे टॉकिंग अबाउट अ डिजीज हियर एंड एयर बॉर्न जो कि हवा से फैलती है रेस्पिरेटरी डिजीज है ना रेस्पिरेटरी डिजीज है लंग को अफेक्ट करती है डिजीज न आर स्पेशली वालनरेबल टू मतलब ये डिजीज होने के चांसेस बच्चों को ज्यादा होते हैं ये बताया जा रहा है ये पूरा डिप्थेरिया के बारे में ध्यान से देखिए हम बात कर रहे हैं इन 1925 मतलब हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? डिप्थेरिया फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है एन एयरबोर्न रेस्पिरेटरी डिजीज दैट चिल्ड्रन आर स्पेशली वर्लरेबल टू ये पूरा जो यहां तक डिस्क्रिप्शन है ये डिजीज के बारे में है अब आपका मेन वर्क स्टार्ट होता है स्वेप्ट थ्रू द रिमोट अलास्क माइनिंग टाउन ऑफ नोम ये तो बिल्कुल ठीक है अब आपकी गड़बड़ कहाँ होनी चाहिए कहाँ हो सकती है लेट्स इन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव डिप्थेरिया एंड एयरबॉर्न ये तो बिल्कुल ठीक है रेस्पिरेटरी डिजीज दैट चिल्ड्रन ये भी ठीक है कोई गड़बड़ नहीं आर चिल्ड्रन है इसीलिए आर आया ये भी ठीक है स्पेशली वालनरेबल टू बिल्कुल सही स्वेप्ट थ्रू द रिमोट है ना अब अगर गड़बड़ यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है स्वेप्ट थ्रू ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है मतलब पास्ट और ये पास्ट सेंटेंस तो टेंस का अटेंस के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है स्वेप थ्रू का मतलब क्या हो गया मतलब सक्सीडेड इन स्प्रेडिंग है ना सक्सीडेड इन स्प्रेडिंग फैलने में बहुत ज्यादा लोगों तक फैली स्वेप थ्रू द रिमोट अलास्कन माइनिंग टाउन ऑफ नो बिल्कुल सही क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर है ही नहीं बिल्कुल सही दिया हुआ है अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये आर यहाँ पे क्यों दिया है, जब है तो तो मैं आपको बता दूं कि ये आर जो है इस डिजीज को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर दिया गया है चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट uh, में दिया गया है ठीक है ये आपको पास्ट की बात नहीं बता रहा है ये डिजीज के बारे में बता रहा है फिर वहां पे आप पे मेन वर्ब आपका स्टार्ट होता है ये स्वेप थ्रू द रिमोट अलास्क माइनिंग टाउन मतलब नो एरर ठीक है अब मैं आपको एक और बात बता दू जिनको नो no एरर को पहचानना आ गया मतलब आप लोग काफी स्ट्रेंथन हो चुका है अब आपको गड़बड़ नहीं होगी नो no एरर पहचानना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि तो हम लगे रहते हैं फाइंड आउट करने में एरर ये भी सेम है ई पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही है देखते हैं द केव्स एट लासो लासो कहते हैं इसको लासोक्स नहीं होता ये ठीक है द केव्स एट लासो इन साउथ वेस्टर्न फ्रांस आर फेमस

फॉर फॉर के बाद जनरली आई एनजी फॉर्म आता है बिल्कुल सही है फॉर कंटेनिंग सम ऑफ द यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या देखना है सम लिखा है मतलब अबाउट मोर देन वन राइट हम मोर देन वन की बात कर रहे हैं सम ऑफ दोस्ट डिटेल्ड अब यहां पर आ गया एडजेक्टिव एंड वेल प्रिजर्व मैंने आपको बताया एंड के बाद दोनों सेम होना चाहिए यहाँ क्या लिखा है मोस्ट डिटेल्ड ठीक है एडजेक्टिव है एंड वेल प्रिजर्वड ये भी एडजेक्टिव है तो ये भी करेक्ट है दोनों एडजेक्टिव है what, well preserved what, example of, आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो सम और एग्जाम्पल क्या ये मैच है बिल्कुल नहीं सम यानी मोर देन वन होगा मोर देन वन यानी ये जो एग्जाम्पल है इसको होना चाहिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स ठीक है इसको क्या होना चाहिए प्लूरल फॉर्म पे वैसे भी मैंने आपको इसके पहले बताया था वेन वी यूज सम ऑफ द वन ऑफ द नन ऑफ द प्लस हमेशा प्लूरल नाउन आता है ठीक है क्योंकि आप बहुत सारे में से एक की बात कर रहे होते हैं बहुत सारे में से कुछ की बात कर रहे होंगे बहुत सारे में से किसी की भी नहीं ठीक है तो अल्टीमेटली जो वन ऑफ द सम ऑफ द नन ऑफ द के बाद आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म पे होता है इस बात को ध्यान रखेंगे इस चीज को नोट no डाउन जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो क्या हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल बिकम एग्जाम्पल ऑफ हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि किस किस तरह से एरर आ सकती है और हमको किन किन चीजों को ध्यान पे रखना है ठीक है चलिए तो यहाँ पर जो गड़बड़ है आपकी वो हो गई डी में आगे बढ़ते हैं फोर्टीन क्वेश्चन पे है हम रोबोटिक्स कंपनीज आर More likely to bring in expertise than invest in training local residents to build specialized infrastructure or operate vessels. theek hai dhyan denge Robotics companies hamara subject hai iske sath hai R, plural, plural, bilkul theek hai More likely, more likely मतलब हम comparison की बात कर रहे हैं, तो make sure कि यहाँ पे then लिखा है, yes लिखा है। More likely to what? To bring in expertise than इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग मतलब ब्रिंग इन इन्वेस्ट इन ये भी ठीक है ट्रेनिंग लोकल रेसिडेंट्स ठीक है लोकल रेसिडेंट्स को ट्रेनिंग देने की बात की गई ये भी ठीक है क्यों टू बिल्ड स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ दिस वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए नाउ ठीक है अब मैंने आपको इसके पहले बताया अगर नाउन है नाउन के पहले कोई वर्ड है डेफिनेटली वो उसको क्वालिफाई करने के लिए होगा क्वालिफाई करने के लिए होगा तो इसको जो होना चाहिए एडजेक्टिव के फॉर्म पे होना चाहिए क्या ये स्पेशलाइज का एडजेक्टिव का काम कर रहा है अभी तक तो नहीं कर रहा अगर हम इसमें यहाँ पर डी लगा दें इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव ये है पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं हम ये कुछ नहीं होते ये होते हैं आपकी वर्ब के फॉर्म है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म जब वो मेन वर्ब का काम नहीं करके वो नाउन के पहले लगता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है वो वही कर रहा है ठीक है स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो गड़बड़ है वो आपकी डी सेक्शन में ई e तो बिल्कुल सही दिया हुआ है तो एक और एडजेक्टिव के एरर की किस तरह से और आ सकता है नाउन एडजेक्टिव ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज रिजर्व मैनेजर्स गेट टू कंट्रोल रिसर्च एक्टिविटीज सो एज टू मिनिमाइज दरीन लाइफ अलाउविंग साइंटिस्ट टू डू दर्क ध्यान दीजिएगा है ना ये तो बिल्कुल ठीक है हम सेक्शन वाइज चलते जब समझ में नहीं आता या लगता है कि अभी तक नहीं पढ़कर हमको समझ में आए सेक्शन वाइज जाओ उनको एलिमिनेट करते जाओ और क्रॉस चेक करते जाओ रिजर्व मैनेजर्स मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं गेट

सो so as टू वॉट सो एज टू मिनिमाइज होना चाहिए यहाँ पर लिख दिया है डी मिनिमाइज ये है गड़बड़ मतलब यहाँ पर इनफिनिटिव की गड़बड़ थी so as to minimize what? मिनिमाइज the effects ऑन मरीन लाइफ वाइल अलाउविंग साइंटिस्ट जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो ये जो मैनेजर्स हैं ये देखते हैं कि कुछ ऐसा ना करें जिससे कि मरीन लाइफ को यू नो हार्म हो या उन पर कोई खराब इम्पैक्ट पड़े तो ये आपका हो जाएगा टू मिनिमाइज टू प्लस वी वन मतलब गलती जो है वो आपकी सी सेक्शन में थी राइट right? से भी एक गलती आगे देखते हैं अब देखो यहां से कुछ डिफरेंट है इन द क्वेश्चन इग्नोर एर पंक्शन अभी इन कॉन्टेक्ट मतलब यहां पर लिखा हुआ है below, given, एक में होगा. लिखा हुआ, ये करेक्ट है मतलब जो बाकी है नंबरिंग नहीं की हुई है यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है ठीक है अब देखते हैं पढ़ के इसको अनलाइक अदर प्लैनेट्स युरेनस स्पिन ऑन इट्स साइड एंड इट्स रोटेशन एक्सेस इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो ऑफसेट फ्रॉम इट्स सेंटर ध्यान से देखते हैं अनलाइक अदर प्लैनेट्स मतलब बाकी प्लैनेट्स के जैसे नहीं हम बात कर रहे हैं यूरेनस की यूरेनस एक प्लान सिंगल ठीक है स्पिन ऑन साइड क्या यहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा हुआ है क्योंकि आप देखो यहाँ पे लिखा है मतलब हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ पे क्या एड करना पड़ेगा Yes, में एस या ई एस यहाँ क्या लगेगा एस लगेगा ये स्पिन करता है तो गलती कहाँ पे होगी आपकी सेक्शन तो यहाँ पे इस गलती को क्या बोलेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की फॉल्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं था और वहीं पे गड़बड़ थी, राइट right? चलिए आगे चलते हैं ये भी वही है जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपके एरर फ्री है. आगे हैं। आगे देखते हैं

मे गेव ये जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मे मॉडल वर्ब में इसके साथ वर्ब का आना चाहिए बेस फॉर्म दैट मीन गेव का क्या हो जाना चाहिए इस गेव का हो जाना चाहिए गिव राइट right? तो गड़बड़ मिल गई आपको एक ही गड़बड़े बोला है एक यहाँ मिल गई आगे बढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे कहाँ पे है इसका मे गेव ये आपकी एरर हो गई मे के साथ पी वन आएगा राइट right? आगे द रिजल्ट कुड हेल्प अदर साइंटिस्ट

Understand observations of other worlds. तो इनको समझ में आए इनको अंडरस्टैंड करें ये अंडरस्टैंड वॉट ऑब्जर्वेशल्ड्स ये भी करेक्ट है मेड विथ टेली मेड विथ स्पेस टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जो ऑब्जर्वेशन बनाई गई हैं जो अंडरस्टैंड की गई हैं तो यहाँ पर मेड के साथ जो विथ है ये भी करेक्ट है प्रपोजिशन की भी गड़बड़ नहीं है ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि पढ़ते हुए आपको वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ना है ताकि आप वापस से पीछे आके अपना टाइम वेस्ट ना करें मेड विथ स्पेस टेलीस्कोप और हेल्प देम क्रिएट ऑफ अदर अब ध्यान से यहाँ पर देखो हर एक चीज जो प्लूरल फॉर्म पे है वो प्लूरल को ही डिनोट कर रिजल्ट है साइंटिस्ट की बात की गई है फिर ऑब्जर्वेशन है क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन तो होगा नहीं ऑफ अदर वर्ल्ड दूसरी वर्ल्ड के मेड के साथ ये ये भी correct है। Space telescopes, ये भी plural form पे है. है. है पे पे या फिर और help them, है ना? Help, आपका फिर और ना आपका से वो plural form पे हो गया क्योंकि ये हम किन की हेल्प की, की बात कर रहे हैं हम वैज्ञानिकों की हेल्प की बात कर रहे हैं देम क्रिएट सिम्युलेशमेशन क्या होता है एक मॉडल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ है ना कि एक एक रेप्लिका बना दिया एक मॉडल बना दिया टू आर गोइंग टू मतलब एक मॉडल एग्जाम्पल राइट ऑफ अदर क्लाइमेट्स मतलब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ ग्रामेटिकली है ही नहीं हर एक वर्ड करेक्ट दिया हुआ है हर एक चीज ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है दैट मीन्स आप नो no एयर पे जाओगे ऐसे क्वेश्चन पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इफ यू फाइंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप यू you नो know, इस तरह से एक एक को पढ़कर एक एक सेगमेंट को पढ़कर आपने ग्रामर के हिसाब से चेक किया तो आप नो एर पर जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट

स्टडी स्ट्रीम ये तो करेक्ट है छेड़ना ही नहीं इसको ऑफ वॉट ऑफ विजिटर्स बहुत सारे विजिटर्स आते गए आते kind of कि है ना मेनी ऑन देर वे अगेन ऑफ फर पढ़ते हुए ध्यान भी नहीं किया तो ये जो देर होगा ये हम बात कर रहे हैं पोजेसिव टर्म पे वे इज नाउन नाउन के पहले आना चाहिए एब्जेक्टिव जो कि ये है

नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आई हैड बीन कोलाबोरेटिंग विद ऑफ एक्सपर्ट्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट हाउ एंड वाई न्यू जूनोटिक वायरसेस इमरजेस एंड स्प्रेड मैं ये बता चुकी हूं आप लोग इसको आई एम श्योर डेफिनेटली बना सकते हैं अगर मुझे यहाँ पे पॉज करके बनाने की कोशिश करिए मैं बता रही हूँ फिर चेक करिएगा आप इसको आई हैव बिन कोलाबोरेटिंग पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है विद एक्सपर्ट्स अ लॉट ऑफ मोर देन वन एक्सपर्ट्स ठीक है टू वॉट टू एडुकेट टू और वी वन ये भी करेक्ट है दब्लिक अबाउट वॉट किसके बारे में अबाउट हाउ एंड कैसे और क्यों न्यू जूनोटिक्लूर ये नाउन है न्यू जूनोटिक वायरसेस प्लूरल इन फॉर्म वर्ब जो आना चाहिए इसके साथ में वो प्लूरल के हिसाब से होना चाहिए पहला जूनॉटिक वायरसेस इमर्जेस वर्ब में एस या ई एस का लगना वर्ब फर्स्ट में ये इसको बनाता है सिंगुलर क्या बनाता है सिंगुलर और हमें यहां पर इस प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब चाहिए मतलब इमर्जेस नहीं आना चाहिए एमर्ज होना चाहिए दूसरा इंपॉर्टेंट हिंट यहां पे क्या है एंड स्प्रेड लिखा हुआ है स्प्रेड वी वन फॉर्म पे है मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड से जुड़े हुए दोनों शब्द जो भी हो वर्ब हो एडजेक्टिव हो नाउन हो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए सेम डेजिग्नेशन uh, के होने चाहिए ये वी वन है प्लूरल फॉर्म पे तो ये भी प्लूरल फॉर्म पे होना चाहिए था तो ये ऐसा आप हटाओगे तो एंड के लॉजिक से भी और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के दोनों लॉजिक से ये आपका बन रहा है तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई ये आपकी हो गई इसमें है ना डी सेक्शन में गड़बड़ है एमर्ज होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे विवन है ये भी विवन ये है आपका प्लूरल ये होना चाहिए ये भी प्लूरल फॉर्म पे ठीक है तो आपने देखा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन बड़े हैं ये देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है हमने अराउंड बीस क्वेश्चन कर लिए बीस कॉन्सेप्ट सीख लिए मतलब हमने इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल थोड़ा ध्यान पे रखना आप वाइल रीडिंग द क्वेश्चन डू नॉट गेट वर्ड और एंशस कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है कैसे सॉल्व होगा वर्ड्स तो समझ में नहीं आ रहे बिल्कुल नहीं वहाँ पर एक डीप ब्रेथ लेना और उसके बाद में उसके बाद में उसको पढ़कर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना और देखना क्या लिखा हुआ है वहाँ पे एरर जो होगी वो मामूली सी होती है वो क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए होते हैं ठीक है सो ये जो चीज़ें हैं जो आसान लगने लग जाएंगी विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहिए मैं और भी ऐसे क्वेश्चन और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी सो so दैट आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथिन हो जाए